उमरगांव नगर पालिका के टाउन प्लानिंग चेयरमैन आनंद सिंह से बात की हमारे ब्यूरो चीफ राकेश मिश्रा ने। इस मौके पर उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं ये विशेष इंटरव्यू। आप देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट और हमारे साथ हैं वलसाड़ जिला के उमरगांव नगर पालिका के टाउन प्लानिंग चेयरमैन श्री आनंद सिंह जी। मैं आनंद सिंह जी से जानना चाहूंगा कि आपको कुछ दिन पहले टाउन प्लानिंग का चेयरमैन बनाया गया, उसके पहले आप राजनीति में जुड़े नहीं थे, तो मुझे आप बताएंगे आपकी राजनीतिक लाइन कब से शुरुआत की आपने? 1991 में एक डोनर इंडस्ट्री डोनर सीडिंग करके कंपनी थी, अभी भी है, उसमें मैं जॉब करता था। उसमें मैं करीबन 17-18 साल जॉब किया। लास्ट कुछ पिछले 7-8 साल से मैं एचआर डिपार्टमेंट और लाइजनिंग वर्क देखता था, जिसके वजह से मेरी सोशल एक्टिविटी हमारा विस्तार में, ये गांधीबाड़ी विस्तार में बढ़ा। और ये गांधीबाड़ी में विस्तार बढ़ा उसके बाद से जो है मुझे 2014 में उमरगांव शहर भारतीय जनता पार्टी का उपप्रमुख बनाया गया। मैं 3 साल तक पार्टी का उपप्रमुख पद पर पार्टी के लिए अच्छा काम किया और यही मेरा शुरुआत था। ये आपको पार्टी ने टिकट नगर पालिका का जो पहला कॉर्पोरेटर का टिकट कब दिया था? ये पार्टी ने 2016 फरवरी में मुझे नगर पालिका कॉर्पोरेटर का नगर सेवक का टिकट मिला और उस टाइम मैंने चुनाव लड़ा और चुनाव फिर जीता। चुनाव जीते थे आप और मुझे जहाँ तक पता है कि काफ़ी मतों से आप विजयी हुए थे। अपने पूरे चैनल में जो 4 लोगों का चैनल था उसमें सबसे ज़्यादा वोट आपको मिला था जी, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? इतना लोगों का प्यार आपके प्रति क्यों था? इसमें ऐसा था कि एक तो हमारा जो विस्तार था उसमें पहले भी आपको बता चुके थे हमारी सोशल एक्टिविटी थी। दूसरा हमारा जो पार्टी थी भारतीय जनता पार्टी, इसका भी हमारा हमको पूर्ण रूप से मतलब सहयोग मिला, क्योंकि हम बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़े थे तो स्थानीय लोगों का अपना जो काफ़ी सहयोग मिला और हमारा जो पार्टी के अगवान लोग थे उन्होंने भी अपना जो है काफ़ी मुझे सहयोग किया। उस समय हमारे सांसद केसी पटेल जी थे, हमारे MLA रमन पाटकर जी थे, खास करके हमारे जिला प्रमुख श्री प्रमुख भाई देसाई जी थे, उनका और मेरे लिए देखा गया तो अगर राजनीति करियर में सच आपने पूछा है तो सबसे बड़ा उनका योगदान रहा मेरे लिए और उन्होंने भी मेहनत किया फिर उन्होंने चुनाव जीता। चुनाव जीतने के 2.5 साल के बाद और आपको टाउन प्लानिंग की कुर्सी दी गई है नगर पालिका की तरफ से, पार्टी ने आपके ऊपर इतना विश्वास जताया है जी, इसके बारे में आप क्या कहें? ये 28 दिसंबर को मुझे टाउन प्लानिंग चेयरमैन बनाया गया था और पार्टी ने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे ये समिति दिया और इसका अध्यक्ष बनाया और इसमें हमारा पार्टी का और हमारे जिला प्रमुख खास करके श्री कन्हू भाई देसाई, हमारे नगर पालिका प्रमुख श्री राम सुभाष सिंह जी, हमारा शहर प्रमुख श्री संजय भाई जोशी, इन लोगों ने हमारे को विश्वास करके टाउन प्लानिंग चेयरमैन बनाया और मैं चाहूँगा कि इनके विश्वास पर मैं खड़ा होता हूँ। ये प्रदेश गुजरात है और आप उत्तर भारत से बिलोंग करते हैं जी, और ये गांधीबाड़ी प्रॉपर पर्टिकुलर जो एरिया है उसमें सबसे ज़्यादा उत्तर भारतीय लोग रहते हैं जी, और संयोग की बात है कि आपके प्रेसिडेंट भी उत्तर भारत से बिलोंग करते हैं राम सुभाष सिंह जी, और आप टाउन प्लानिंग के चेयरमैन बने हैं, आप भी उत्तर भारत से बिलोंग करते हैं, यहाँ के लोगों को काफ़ी उम्मीदें आप दोनों से हैं, इसमें कहाँ तक खड़े उतरेंगे आप? देखिए सबसे पहले तो हमारे जो प्रमुख श्री हैं नगर पालिका के राम सुभाष सिंह जी, इन्होंने जो काम का शुरुआत जो की है वो बहुत अच्छी शुरुआत की है। यहाँ वर्षों से पानी नहीं मिल रहा था और सबसे पहले वो पानी पे काम कर रहे हैं और हम सब मिलके काम कर रहे हैं। और दूसरी बात कि उन्होंने एक अच्छी शुरुआत की कि उन्होंने अपने विस्तार में प्लास्टिक थैली जो बंद करवाए, साफ सफाई पर उन्होंने खास करके मतलब जो है ज़्यादा फोकस डाला, तो मुझे उम्मीद है कि ये 2.5 साल का टर्म्स है जो बहुत अच्छा मतलब जो है काम होगा। नगर पालिका में गुजराती और प्लस उत्तर भारतीय ये सब लोगों का समन्वय है और आप लोगों को इतना बड़ा पोस्ट जो उत्तर भारतीयों को दिया गया है जी,
इसमें कहीं नगर पालिका में कोई द्वेष विवाद ऐसा कुछ नहीं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, सब आपस में मिलजुल के काम कर रहे हैं। जी, आपस में सब। हमारे प्रमुख श्री राम सुंदर सिंह जी के साथ आपका क्या व्यवहार है, तालुकात कैसा है? नहीं, हमारे अच्छे संबंध है और हर काम में हम दोनों जन मिल के काम कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से वो काम को लेके आगे साथ में लेके सब कुछ चल रहे हैं और आगे अच्छा काम। हमारे चैनल ने कुछ दिन पहले ही ये भी रिपोर्ट दिया था कि उनके विरुद्ध 21 नगर सेवकों ने अविश्वास प्रस्ताव डाल दिया था। जी, आखिर ऐसा क्यों हुआ? नहीं, ये तो छोटा सा एक इशू था, ऐसी कोई बात नहीं थी, वो सुलझ गया वो मैटर। अच्छा, उसको मतलब आपस में कोई वैसा द्वेष बचा नहीं है? जी जी। तो मैं क्या समझूं कि अगला भविष्य उमरगांव का और गांधीबाड़ी का उज्जवल है? बिल्कुल बिल्कुल उज्जवल है, पूरे उमरगांव का उज्जवल रहेगा और हमारा पूरे उमरगांव में नगर पालिका के साथ वार्ड में मैं उम्मीद करता हूँ कि साथों के साथों वार्ड में अच्छा काम करें। बहुत पहले यहाँ पे कभी भी कोई आता था ना तो इसका नाम गांधीबाड़ी, लेकिन लोग बोलते थे गांधीबाड़ी। जी, तो क्या मैं उम्मीद रखूँ कि गांधीबाड़ी को साफ बाड़ी के रूप में हम देखें भविष्य में? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये खास करके अभी हम लोगों ने एक प्रोग्राम किया था स्वच्छता अभियान का, कई स्कूल के बच्चे को लेकर के मतलब जो है काम किए थे, इसमें हमारे सभी लोग थे, हमारे शहर प्रमुख से लेकर नगर पालिका प्रमुख से लेकर कार्यकर्ता सबका सहयोग रहा। उसके हम लोगों ने सफाई योजना में मतलब जो है विशेष करके ध्यान दिया है और आने वाले दिनों में आपको जरूर चेंजेस दिखेगा। सर, एक तो सबसे बड़ी विशेषता क्या है गांधीबाड़ी में, जो भी एरिया है पर्टिकुलर हर एरिया का नाम इतना शुद्ध रूप से दिया गया है, जसोधाम, बजरंगगढ़ी, हनुमानगढ़ी, मतलब टोटल धाम यहाँ पे देखने को मिलता है हमको नाम से। क्या भविष्य में आप लोग ऐसा करेंगे कि वो धाम बन जाए? बिल्कुल बनेगा, श्योर बनेगा, ऐसा काम किया जा रहा है, खास करके जो हम लोगों का मिशन है सफाई वाला, जो हमारा बड़ा प्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी ने उठाया है स्वच्छ भारत का, उसमें हम उमरगांव नगर पालिका में भी खास करके और ये कोशिश करेंगे कि हमारा स्वच्छ उमरगांव हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर भारतीय समाज के लोग भी आप लोगों पे गर्व महसूस कर रहे हैं कि गुजरात प्रदेश में रहकर भी आप लोगों ने वो तालमेल रखा है कि यहाँ के लोग भी आप लोगों को अपने साथ घुला मिला करके रख रहे हैं और ऐसे ऐसे पोस्ट पर भी आने के बाद उन लोगों को कोई दर्द तकलीफ नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। आनंद सिंह जी, हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है आपका।